Hey guys, welcome back to our channel Foodie Buddies Life in Goa. So we are back with another amazing vlog. बहुत दिनों बाद vlog आ रहा है और हमें भी इसका इंतजार था, आपको भी इंतजार था शायद. तो आज हम आए हैं, क्या है बोल? तो हम आज आए हैं मोंटे हिल मारगांव में. यहाँ पर साउथ गोवा बिगेस्ट थाली हम लोग ट्राई करने के लिए यहाँ है. एक्चुअली नॉर्थ गोवा का बिगेस्ट थाली तो आपको दिखा दिया, रावण थाली, बट यहाँ पर जो मिलता है वो उससे भी ज़्यादा बड़ा है. एंड यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट आउट. वो थाली देखकर आपके तो होश उड़ जाएंगे, आई एम श्योर. ऑफ कोर्स. और अभी अंदर जाके चेक करते हैं कि वो थाली कैसा है. अंदर आपको दिखाते हैं, आपके भी होश उड़ने वाले हैं. सो लेट्स गो इन. मेरा नाम रोहित राजन बिचोलकर. हमारा रेस्टोरेंट का नाम है सिनेमोन बार एंड रेस्टोरेंट. हमारा ये रेस्टोरेंट में हटकर थाली हम देते हैं. बाहर से लोग खाने के लिए भी आते हैं, बहुत दूर से भी आते हैं, घूम घूम के खाने के लिए आते हैं. तो हमारा हटकर का जो स्पेशलिस्ट भी है बोला तो यहाँ लोगों का जो भाट रहते हैं, बड़े बड़े लोग, श्रीमंत लोग है जिसका भाट रहते हैं, बाद में जिसका प्रॉपर्टी है, तो ये लोगों का जो एक ऐसा जो खाने का जो ये उस हिसाब से हम जो भटकर थाली बनाया. एक बोला तो जहाँ हमारे जैसे मच्छी बोला तो फिश एंड चिकन मटन, बाद में हमारा सब्जी से हम सब जो हिंदू का हिसाब से लोगों को, हिंदू लोगों को जो प्रॉपर खाना चाहिए वो हम खाना देते. सब कुछ इसमें हम शो भी किया है, आप टेस्ट भी कर सकते. सो गाइस, ये थाली का नाम है भाटकर थाली. और इस गोवा में कोंकणी में भाट मतलब एक बहुत बड़ा सा पीस ऑफ लैंड होता है, और वहाँ पर जो उनका ओनर होता है ना उसको कहते हैं भाटकर. तो ये उस आदमी के लिए ये थाली बनाया जाता है जो बहुत ही श्रीमंत होता है, बहुत ज़्यादा अमीर रिच होता है, और उनको शायद से ये हर संडे का उनका भोजन होगा. और इतना सारा उनका डिशेस होता है यहाँ पर जो वो रोज रोज खाते हैं, ये उनके लिए बनाया गया है. बट आज हम लोग ट्राई करने वाला है दिस भाटकर थाली. सो ये थाली में कितना डिशेस है और उन सबका नाम? इसमें 27 डिशेस आते हैं. okay. इस पहला स्टार्टिंग हमारा राइस है, बाद में प्रॉन्स करी है, बाद में प्रॉन्स रवा फ्राई है, लेपो रवा फ्राई है, प्रॉन्स डांगर है, इसको कोकणी में प्रॉन्स डांगर कहते, ऐसे हिंदी में प्रॉन्स कटलेट कहते. और ये हमारा सोल कड़ी है, ये स्वीट सोल कड़ी है. ये अपना आमलेट है, बाद में चिकन काप्रियल है, ये गोवन का फेमस है. बाद में चिकन मसाला है, चिकन सुक्का है, बाद में चिकन अपने चिकन का तीन हम ग्रेवी देते, चिकन का तीन ग्रेवी देते, सुक्का देते ड्राई, एक प्रॉन्स किसमूर है, बाद में सलाद है, ग्रीन सलाद है, स्वीट है, बाद में अपना फिशेस का 5-6 डिशेस देते, यानी ये चणक है, चणक रवा फ्राई है, में विल्ली रवा फ्राई, क्विड्स रवा फ्राई, ये तीसरी सुक्का है, ये गोवन का स्पेशल है. हर गोवा में जो थाली देते उसमें तीसरी नहीं मिलता है, हम तीसरी देते. जैसे गोवा में काप्रियल भी नहीं देते, वो काप्रियल भी देते हम ऐसे, और सब्जी भी देते. जहाँ आपने बहुत रेस्टोरेंट में गए होंगे फिर भी आपको सब्जी नहीं मिलता है, गोवा में सब्जी नहीं मिलता है थाली में, हम थाली में सब्जी भी देते और पापड़ भी देते हैं, स्वीट पूरनपोली देते और लच्छा पराठा देते और एग भी देते. बाकी रेस्टोरेंट में हम गए और वो थाली में लड्डू भी नहीं मिलता है, वो जो प्रॉपर पहले के लोग लड्डू भी खाते थे वो लड्डू कोई लोग देते नहीं, हम लड्डू भी देते क्योंकि वो डिजाइन है, कस्टमर को से खुश भी होना चाहिए. उस टाइम का जो खाना लोगों को मिलता था अभी वो जहाँ नहीं मिलते ये हम देते यहाँ.
और थोड़ा आप इस थाली का प्राइस बता सकोगे? ये थाली का प्राइस है 800 रुपए, GST लगा के 40 रुपए बढ़ गया, 840 रुपए है। ओके और श्रेय, मेरा ये क्वेश्चन था कि लाइक ये थाली लाइक कितना लोग को लाइक कितना लोग खा सकते हैं ये थाली? फैमिली बोला तो 4 लोग भी खा सकते हैं, या 2 लोग खाने वाले तो 2 लोग भी खा सकते हैं। हम क्या सोचते हैं, दूसरे का अच्छा ही सोचते हैं, दूसरे का पेट ना खराब हो जाए। एक भी आदमी खाता है लेकिन क्या होता है बाद में ओवर खाना हो जाता है, तो हम क्या सोचते हैं तुम डिवाइड करके खाओ। तो लाइक कभी किसी ने फुल कंप्लीट किया है एक जन में, एक लोग भी खा सकते हैं। उसमें क्या होता है बाद में खाना पार्सल करके लेके आना पड़ता है। हम बोलते हैं पार्सल, हाँ नहीं कंप्लीट कर पाए, हमारे से नहीं बोल रहा था, वो पूरा खत्म कर देगा, नहीं हो पाएगा। आप ट्राई भी कर सकते हैं, सो ट्राई करते हैं। और आपसे मिलकर अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो गाइस, ये थाली 4 लोगों को इजीली फिल कर देगा। अभी अपने एक्सपर्ट एडवाइस सुन लिया था, तो अभी हम लोग भी शुरू करते हैं, देखेंगे ये सब डिशेस का टेस्ट कैसा है। ऑफ कोर्स आप जब रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको ये थाली में से शायद से 5 या 6 आइटम मिलेगा इन वन थाली, बट यहाँ पर 27 आइटम्स है। आई मीन 27, मतलब एक एक को ट्राई करते करते तुम्हारा मुंह में सब फ्लेवर आ जाएगा, फुल गोवा नॉर्थ टू साउथ सब कुछ आपको पता चलेगा। Okay. तो चलो अभी स्टार्ट लग रहा है, सुकुनाल। Yes. थाली का सब आइटम्स तो तूने सुन लिया, तेरे को क्या लगता है तूने सब ट्राई किया था पहले कभी? हाँ मतलब मोस्टली सब ट्राई किया है, ये किस्मूर हो गया, फिश करी हो गया, चिकन का ये 3 ग्रेवी हो गया, चिकन का फ्रायर ये तीसरे, ये तो घर पे बनता ही है। और बाद में हाँ मतलब मोस्ट ऑफ द आइटम सब जो लोकल है गोवा का, हाँ वो हिसाब से ही है। और अभी मेरे को तो क्या लगता है अगर ये थाली खा लिया तो उसके बाद और कोई आइटम बचेगा ऐसा जो गोवा का थाली में इन्वॉल्व होना चाहिए, या हो गया यहाँ पर सब कुछ कवर अप? नहीं, मुझे नहीं लगता और कुछ बचा है, क्योंकि सोल कड़ी बाकी सब तो लोकल हो गया। ऑल द फिशेस भी, हाँ बाकी सब आपका फिश का वेराइटीज मिल जाएगा, लेपोम हो गया, स्क्विड्स हो गया, बाद में प्रॉन्स हो गया, काफ्रेल बाद में ये मोडसो हो गया, काफ्रेल भी है, चिकन, चिकन का तो 3 अलग अलग आइटम है, पापड़ हो गया, चपाती, राइस, तीसरे हो एग, सब हाँ सब तो ऑलमोस्ट कवर है। ये तो खुशमूर भी है इसमें डायरेक्ट, जो सब थाली में नहीं रहता है। और अभी मैं बहुत टाइम हो रहा हूँ तो अभी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे को एक और क्वेश्चन था, हाँ इसमें से सबसे फेवरेट आइटम कोई 3 तेरा कौन सा है? इसमें से सबसे फेवरेट 3 आइटम मेरा Yes. है ये फ्राइड फिश, ये सबसे बड़ा साइज का आता है, कभी भी आप चणक लेंगे तो साइज देखो थोड़ा कितना बड़ा है, और बाद में मेरा प्रॉन सबसे फेवरेट है, और Okay. इसको कैसे बोल सकता हूँ मैं, ये अपना चिकन काफ्रेल, ओहो इसको तो मिस कर ही नहीं सकते हम लोग। हाँ ये तो एक स्ट्रीट फूड में भी आता है, हर जगह पे आपको मिलेगा गोवा में। तो अभी चालू करते हैं खाना, हाँ और ट्राई करते हैं, टेस्ट देखते कैसे है। ओके चलो सब लोग अपने अपने प्लेट में ले लो, चलो फाइनली फिश प्रॉन्स कट ले समथिंग ऐसे कुछ। तीसरे 4 ले मैं पर क्यों बच्चे, हाँ हाँ मेरा फेवरेट लेपो होगा, अरे फिर मैं पीसेस कर रहा हूँ। क्या आलू समझ में नहीं आ रहा अभी फिर बहुत कंफ्यूजन है, हाथ किधर मारू मेरा अभी चपाती लूँ, पराठा लूँ या राइस लूँ, करेक्ट अरे तेरे लिए कैप नहीं है, यू वांट माइन कैमरामैन ना, मेरे को बाहर उड़ाया तुमको। फील कड़ी कड़ी में इसमें फीलर है। हाँ सो गाइस, मैंने अपना खुद का एक बटकर थाली छोटा वाला क्रिएट किया है, इसमें शायद से 10 आइटम होगा, बट वो ही कितना ज़्यादा लग रहा है, लुक के दैट।
अभी बहुत आइटम बाकी है। स्टार्टिंग 10 मिनट कंफ्यूजन में ही गए कि कैसा शुरू करेगा और कौन सा कैसे खाएगा। अभी बस थाली में जो खत्म करना है, यही गोल है। गोल है, पापड़ भूल गया था। थैंक यू। सो गाइस, ये है पूरन पोली। कुणाल आपको बताएगा कि ये क्या है। सो गाइस, इसमें जो ये स्वीट आइटम है एक्चुअली, और इसमें आपको दिखता रहेगा अंदर का फीलिंग है। ये पूरन का फीलिंग रहता है स्वीट। ओके। और ये बेसिकली गणेश चतुर्थी के टाइम बनता है, और मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये थाली में ये पूरन पोली खाने को मिलेगा मुझको, क्योंकि बाकी सब नॉर्मल गोवन थाली में कम से कम फ्यू आइटम रहते हैं। फिश, राइस, करी, सैलेड हो गया, और ये थाली में आपको सब कुछ कवर होता है। एक आइटम आपको मिस नहीं होगा, आपको रिग्रेट नहीं होगा ये थाली बाय करके, और इजीली चार लोग आराम से फिनिश कर सकते हैं। हाँ। तो हम तो अभी खाते जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और मंगा रहे हैं हम लोग राइस भी। हाँ। बहुत सारा ग्रेवी बचा है। सो आप आइए इधर, इंजॉय कीजिए, आपको भी मज़ा आएगा बहुत। एक्चुअली हमने ये पहला आइटम चिकन कफरेल खाया था और इतना अच्छा लगा, उसके बाद नेक्स्ट आइटम जब प्रॉन्स ट्राई किया वो तो उससे भी अच्छा था। एवरी आइटम इज बेटर देन द प्रीवियस वन। अरे व्हाट अ फ्लेवर, अभी क्या लूं। हर एक आइटम तो हम श्योर शॉट खत्म करेंगे, ये तो कंफर्म है। अरे ले 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 एक्चुअली नॉर्मल सा थाली में जब 5 ही आइटम होते हैं वहाँ पर भी हम लोग कभी बहुत बार डिसअपॉइंट हुआ है बिकॉज ठीक से नहीं बनता था, बट यहाँ पर 25-27 आइटम्स है और सबके सब एकदम बढ़िया है। और तेरा पर्सनल फेवरेट, तेरे को 3 आइटम कौन सा अच्छा लगा। मेरा पर्सनल फेवरेट, मेरे को चिकन सुक्का बहुत अच्छा लगा, कफरेल नंबर 1। इसके लिए मैं वेट कर रहा था। या या, क्या बोलते संकेत, सबसे अच्छा आइटम कफरेल एंड प्रॉन्स रवा फ्राई। प्रॉन्स रवा फ्राई अभी इधर नहीं दिखेगा आपको, खत्म हो गया है। खत्म हो गया है, और एक थाली मंगाना पड़ेगा। श्रेय, तेरा पर्सनल फेवरेट। फेवरेट बहुत मुश्किल है क्योंकि सब बहुत ही अच्छा है। फेवरेट बोलने गया तो वो ये कौन सा था, क्या था, स्क्विड्स आइटम खत्म कर रहे हैं, और जो भी है अभी गायब होने वाला है। और थाली का शुरुआत हमने एक्चुअली प्लेन राइस और फिश करी, प्रॉन्स फिश करी के साथ किया था, एंड दैट कॉम्बिनेशन वाज सो गुड। आई मीन वो बस था आपके लिए, फॉर योर फील टू फील सेटिस्फाइड। एक्चुअली बहुत मस्त था गाइस। भटकर थाली को देखो यहाँ पर क्या हो गया है। थाली, ऑल दी आइटम्स आर एम्प्टी मैन। श्रेय कैसा लगा, क्या अभी हम लोग खड़ा नहीं होने को हाथ धोने जाना है, बट 5 मिनट से बस बैठा ही है, बस बैठेंगे थोड़ा, आधा घंटा बैठेंगे। श्रेय क्या बोलता है, बहुत मस्त था, बहुत टेस्टी था खाना। हाँ, ज्यादा ही लगा, थोड़ा ज्यादा लगा। चार लोग खा के भी हम लोग को ज्यादा लगा था, तेरे लिए ज्यादा लगा। हाँ, बट टेस्ट वाइज Awesome. सब आइटम अच्छा है, बहुत अच्छा है। आना है तो ऑफ कोर्स ब्रेकफास्ट स्किप करना होगा। हाँ, ब्रेकफास्ट स्किप कीजिए गाइस, और लंच के लिए आए, इट इज ओपन फ्रॉम 2:30 to 3 आफ्टरनून, और आके आधा घंटा लगेगा आपको सर्व करने के लिए। सो जल्दी आइए, थोड़ा प्रिपेयर होकर आइए। सो दैट्स इट, आई वांट टू से अपना फ्रेंड्स फैमिली को लेकर आइए, अकेला सोचिएगा भी मत, नहीं हो पाएगा। चार लोग खा के भी हम लोग का थोड़ा बचा है, मोस्ट ऑफ द आइटम खा लिए। और एक्चुअली पता तो चल ही रहा है सबका आंसर क्या होगा, बट स्टिल आई वांट आस्क, हाउ मच वुड यू रेट दिस थाली आउट ऑफ 5? 4.5। ओहो श्रेय, 4.8। ऐसा भी रेटिंग है, ओके 5.5 आउट ऑफ 5, ओके ये तो आउट ऑफ द बॉक्स है। आई वुड डेफिनेटली गिव दिस अ 5 मैन, इट वाज लवली। आई मीन ऐसा नहीं है कि एक कोई आइटम खराब होगा, बट आपको शायद से अगर पसंद नहीं आया तो देयर इज 26 मोर ऑप्शंस फॉर यू टू चूज फ्रॉम, यू नो, लिटरली। लाइक वी आर नॉट अ फैन ऑफ वेज फूड, सो बैंगन को यहाँ पर छोड़ दिया, ऑफ कोर्स बैंगन खाएगा ना, खाएगा रेस्ट एवरीथिंग। हाँ, ये कुणाल खाएगा, लग रहा है मैं खाऊंगा।
खाना वेस्ट नहीं करता हम लोग, राइट। आप भी वेस्ट मत करो, ये आइटम अभी नहीं हो रहा है, मैक्सिमम खा लिया हमने के लिए। अब मैक्सिमम तो हो गया ऑफ कोर्स, आई मीन देयर इज दिस लिटिल सुका एंड सम ग्रेवी आइटम। तो आप भी अगर आ रहे हो अपना फ्रेंड्स फैमिली के साथ तो ट्राई कीजिए पूरा खाना खाने के लिए, वेस्ट मत कीजिए खाना। और अच्छे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर वीडियो, और इधर तक अभी वीडियो देख लिया है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके चलो पैक अप